आज हम बनाएंगे आलू बड़े की चाट, जो कि खाने में बहुत ही डिलीशियस चटपटा है। आपको जब भी कुछ चटपटा खाने का मन करे, तब ये आप बहुत आसानी से घर में बना सकते हो। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप जितना बेसन ले लिए हूँ, और थोड़ा सा अजवाइन को हाथ में क्रश करके दे देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अभी 1/2 टीस्पून जितना हल्दी, रेड चिली पाउडर और नमक दे देंगे। 1 पिंच मीठा सोडा दे देंगे। सबको अच्छे से मिला देंगे। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक घोल स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। देखो हमारा कितना सुंदर बैटर हो गया, कंसिस्टेंसी ऐसा रहना चाहिए। इसको साइड में रखते हैं। अभी यहाँ पे मैंने 4 से 5 बॉयल आलू को छिलका उठा के काट लिए थे, इसको हाथ से थोड़ा मैश कर लेंगे। अभी इसका थोड़ा तड़का लगा लेंगे। इसके लिए पैन में मैं 1 टीस्पून जितना तेल दे दी हूँ। अभी 1 टीस्पून जितना सौंफ दे देंगे, थोड़ा सा हींग दे देंगे, हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 2 हरी मिर्च को काट के दे देंगे, थोड़ा सा कड़ी पत्ता को भी काट के दे देंगे। सबको मिला के 1 मिनट भून लेंगे। फिर यहाँ पे 1 टीस्पून जितना धनिया पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर दे देंगे। सबको फिर से मिला लेंगे। अभी जो आलू को मैंने क्रश करके रखे थे, वो आलू को भी दे देंगे। अच्छे से आलू को मसाले के संग मिला के भून लेंगे। थोड़ा सा भुना हो जाए तब यहाँ पे मैं 1 टीस्पून जितना टेस्ट अनुसार नमक दे देंगे। फिर से सबको मिला देंगे। हमारा आलू का मिश्रण रेडी हो गया है। अभी इसका गैस का फ्लेम ऑफ करके मैं प्लेट में निकाल लूँगी। फिर इसको थोड़ा और चटपटा बनाने के लिए 1 टीस्पून भर के गरम मसाला, 1 टीस्पून भर के आमचूर पाउडर दे देंगे। आलू को सबके संग मिला देंगे। फिर इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इससे थोड़ा थोड़ा लेके छोटा छोटा बॉल्स बना लेंगे। मैंने यहाँ पे आर्सेनॉल बल्ब बना लिए हैं। अभी चलते हैं आगे के प्रोसेस में। मैंने बड़ों को तलने के लिए पैन में तेल चढ़ा दिए है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए, जो बेसन का बैटर मैंने रेडी करके रखे थे, उसमें आलू के बॉल्स को डीप कर लेंगे और चम्मच के सहायता से इस तरह से दे देंगे। इससे हमारा बल्ब बहुत अच्छे से तेल में चला जाएगा और बहुत अच्छे से गोल गोल करके शेप आ जाएगा, अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा। सारे बॉल्स को मैंने धीमे आंच पे उलट पलट के फ्राई कर ले हूँ। देखो कितना सुंदर मेरा सारा बॉल आ गया है। इसको एक तोड़ के दिखाती हूँ, कितना सॉफ्ट और सुंदर बने हैं। आप इसको ऐसे भी खा सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चाट लगा लूँगी, थोड़ा सा दही दे देंगे फेट के, थोड़ा सा टोमेटो सॉस, थोड़ा मीठा चटनी, थोड़ा हरा चटनी दे देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा मसाला दे देंगे, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, काला नमक दे देंगे। ऊपर से थोड़ा सा नमकीन सेव देके गार्निश कर लेंगे। तो दोस्तों मेरा आज का ये चटपटा रेसिपी कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।